और कोई रास्ता नहीं है, साजिश पे साजिश पाकिस्तान रच रहा है। न्यूज 18 इंडिया की खबर का एक बार फिर लेकिन इस बीच असर हुआ। अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिश को लेकर विदेश मंत्रालय बेहद सतर्क है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक पाकिस्तान की इस तरह की साजिश को लेकर जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने अमेरिका के साथ मुद्दा ये उठाया है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पीएम मोदी की सुरक्षा और उनके कार्यक्रम में कोई अड़चन ना आए। जहां तक प्रोटेस्ट का मुद्दा है, वी हैव सीन सच रिपोर्ट्स इन द मीडिया। आई हैव नो डाउट दैट दोज हु हैंडल दीज मैटर्स हैव डिस्कस्ड दिस विद द यूएस साइड। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यूनाइटेड स्टेट्स विद इन द लॉज दैट प्रिवेल इन दैट कंट्री विल टेक केयर टू सी दैट देयर इज नो disruption of the event or any threat to the security of the Prime Minister. वही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए नई साजिश रच रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीरी जैसे अफगानी लड़ाकों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रही है। आईएसआई ऐसे अफगानी लड़ाकों को आतंकी संगठनों में भर्ती कर रही है जो कश्मीरियों जैसे दिखे और जम्मू कश्मीर से आसानी से घुल मिल जाए। पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने के लिए लॉन्च पैड पर सरगना तय किए गए हैं और इन सभी को जिम्मेदारी भी दी गई है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, इसके लिए लॉन्च पैड के सरगना तैनात किए गए हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ साथ संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये किस तरीके की साजिश है, किस प्रकार की नई साजिश जो पाकिस्तान रच रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन भी इसलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ भारत में करवाई जा सके, और यही वजह है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले एक महीने से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। खास करके एलओसी के उन इलाकों में ज़्यादा फायरिंग हो रही है जहाँ पर लॉन्चिंग पैड हैं पीओके के इलाके में, और वहाँ पर आतंकियों का जो जमावड़ा है उनको घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से ही लगातार फायरिंग की जा रही है। और इस समय जो इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब एक बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए जो अफगानी लड़के हैं जिनकी शक्ल कश्मीरियों की तरह पूरी हो वो मिलती हो उन लोगों को घुसपैठ करवाए, क्योंकि 95 के समय भी जो अफगान के कुछ लड़ाके थे उनको यहाँ पर घुसपैठ करवाई गई थी, और पुंछ के जो इलाके हैं पुंछ के मंडी और सुरनकोट इलाके में कई अफगानी टेररिस्ट मारे गए थे, तो उस समय भी ऐसी ही रणनीति को अपनाया गया था और अब भी वही तरीका है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर उन लोगों को इस ओर धकेला जाए जो इस इलाके के लोगों के साथ आकर घुल मिल सकें और यहाँ पर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकें। तो जो पीओके में लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पर काफ़ी संख्या में पहले ही आतंकियों का जमावड़ा था जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट बैठे हुए हैं, और उनके बीच अब अफगानिस्तान से लाए गए लड़के जो हैं वो शामिल किए गए हैं ताकि उन लोगों को उनके साथ मिलाकर घुसपैठ करवाई जा सके। हालांकि एलओसी के ऊपर भारतीय सेना भी अलर्ट है। शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में आईना दिखाया। भारत ने एक बार न सिर्फ साफ किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है, बल्कि विश्व बिरादरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ गिलगित और बाल्टिस्तान में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी बताया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में भारतीय प्रतिनिधि ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान में आम लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। दुनिया में भारत के कश्मीर का राग गाने वाली इमरान खान की सरकार के राज में पीओके और दूसरे इलाकों में हिरासत में मौत, हत्या और रेप आम बात है। केसेस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, मर्डर्स, डिटेंशंस, custodial deaths and torture of civil rights activists, representatives of local political parties and journalists are common and standard practice adopted to silence voices against the government and deep state in Gilgit Baltistan. चिन्मयानंद को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। रात स्वामी चिन्मयानंद को अस्पताल से रिलीज किया गया था। एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया।